हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टॉक ट्रेंड फाइंडर। मैं हूं इंजीनियर प्रशांत। आज मैं आपको बताने वाला हूं एक बहुत ही खास कैंडल के बारे में जो काफ़ी कारगर साबित होती है। तो चलिए शुरू करते हैं, पहले हम उसके लॉजिक को समझते हैं। जिस कैंडल की हम बात करने वाले हैं उसको हम बोलते हैं जी हाँ, तो आज हम बात करने वाले हैं हैमर के बारे में। ये काफ़ी एक पॉपुलर कैंडल है और ये कैसे काम करता है, कितना सटीक होता है इसका ट्रेड। तो पहले हम इसकी लॉजिक के ऊपर बात करते हैं कि ये हैमर किस तरह से फर्म होता है, कैसे काम होता है। सपोज के लिए अभी आप के सामने मैं कुछ कैंडल ड्रॉ करूँगा, जैसे इस प्रकार से कैंडलें ट्रेड हो रही होती हैं अचानक से, और फिर डाउन ट्रेंड शुरू होता है, कैंडल नीचे की तरफ गिरने लगती है और जब कैंडल बहुत तेज़ी से नीचे गिरती है, बीच बीच में कुछ ट्रैप भी होंगे इस टाइप से, ग्रीन बनेंगे कुछ इस टाइप से कैंडल बनेंगे, फिर बॉटम में आप देखेंगे इस टाइप से एक बड़ा सा कैंडल गिरेगा और अचानक से यहाँ पे नीचे अभी मैं इसमें कलर फील कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। हाँ, मेरी ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं है तो उसके लिए आई एम सॉरी। अभी ये है, अभी हम इसमें विक लगाते हैं। सपोज यहाँ पे जैसे आपने देखा कि अभी ये इस टाइप से कैंडल फर्म हो रहा है, पर अभी यहाँ पे मैं एक ड्रॉ कर रहा हूँ हैमर। काफ़ी पॉपुलर इंडिकेटर है और काफ़ी सटीक ये काम करता है। मैं इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दूंगा। अभी के लिए आप ये मान लीजिए कि ये एक हैमर ड्रॉ हो गया, जब चार्ट जो है आपका डाउन ट्रेंड में आ रहा है और अचानक से बॉटम में ये ड्रॉ होता है, तो इसका सिंपल सा फंडा यह है कि जब सेलिंग प्रेशर हावी था तो एक सर्टेन जोन पे ये एक डिमांड जोन है जहाँ पे बहुत सारे सेलर बैठे हुए हैं, एक्चुअली बायर बैठे हुए हैं जो वेट कर रहे थे प्राइस को यहाँ से ड्रैग करके नीचे आने का। और यहाँ पे क्या होता है कि आप सपोज़ कीजिए कि यहाँ से कैंडल जब ऊपर से इतनी तेज़ी से गिरता हुआ आ रहा है, तो यहाँ ये हैमर का मतलब ये है लॉजिक कि ऊपर से सेलिंग प्रेशर तो बहुत ज़बरदस्त थे लेकिन बाइंग इतनी हेवी हुई है यहाँ पे कि इसको यहाँ पे सस्टेन नहीं करने दिया और ये बाइंग नीचे से जो पुश करता है, नीचे की तरफ से जो धक्का देता है उस, ये सपोज कीजिए कि यहाँ पे बाइंग प्रेशर इतना ज़्यादा है कि इसने इस कैंडल को यहाँ पे नीचे से धक्का दिया। इसके बाद ट्रेड वैलिड कब होता है? ट्रेड वैलिड होने के लिए हमें हाँ
ट्रेड वैलिड करने के लिए हमें वेट करना पड़ता है कि नेक्स्ट कैंडल जो फर्म होगा वो कैंडल फर्म होना चाहिए, या तो कुछ देर ये इस रेंज में ही प्ले होगा। यहाँ पे ये कलर कोई भी हो सकता है, अगर यहाँ से ये ट्रेड फर्म होता है इस टाइप से कैंडल बनेगी यहाँ पे, और ये ट्रेड जैसे यहाँ पे बना, और यहाँ पे सपोज़ कीजिए कि एक विक भी लगा देते हैं, इस टाइप से कैंडल बनती है। अगर यहाँ पे इसके बाद अगर रेड कैंडल बनता है और वो इसके नीचे क्लोज देता है तो ये हैमर वैलिड नहीं होगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि हैमर वैलिड बॉटम में ही होता है। जब एक डाउन ट्रेंड के बॉटम में हैमर बनता है तो वहाँ पर एक परफेक्ट ट्रेड बनता है। तो अभी के लिए हमारा जो ट्रेड बनेगा, तो हम अभी के लिए मार्क करिए हैमर का जो ऊपरी हिस्सा है, हैमर का ऊपरी हिस्सा से हम मार्क कर लेते हैं। हमारा ट्रेड अगर बनता है तो इस हैमर के ऊपर वाले प्राइस पे यहाँ पे हमारी एंट्री बनेगी, और नुकसान स्टॉप लॉस के लिए हम यहाँ पे हैमर का बॉटम हिस्सा रख सकते हैं। ये बहुत जेन्युइन ट्रेड होता है, इसमें बहुत सटीक ट्रेड मिलते हैं। तो ये थी लॉजिक आपको जो समझाने की, एक डाउन ट्रेंड में हैमर बना और उसके ऊपर ट्रेड, अगर यहाँ पे ये रेड कैंडल बनता है और उसके नीचे क्लोजिंग देता है तो इसे इस हैमर का कोई मतलब नहीं होता है। हैमर किसी भी कलर का हो सकता है, ये रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये नहीं देखना है कि यहाँ पे रेड बना है, उसके बाद का जो नेक्स्ट कैंडल, जो डिसाइडिंग कैंडल, ये रेफरेंस कैंडल इसको बोलेंगे, जो डिसाइडिंग कैंडल है अगर इसके ऊपर क्लोज देता है और आगे निकलता है तो हम इसके ऊपर में यहाँ पे ट्रेड में हम एग्जिट कर इंटर करेंगे। अभी चलिए हम प्रैक्टिकल बेस पे इसको समझते हैं। सपोज आप कोई भी चार्ट खोल लीजिए, मैंने जीरोधा का ये चार्ट खोला हुआ है, और कोई भी स्टॉक ले सकते हैं हम। अभी के लिए मैंने मान लो ये इंडिया होटल का चार्ट खोला हुआ है, मुझे वेट करना है एक हैमर का, एक डाउन ट्रेंड में हैमर का। और ये चार्ट का अगर इंट्राडे में ट्रेड करते हैं तो आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करना पड़ेगा, और 5 मिनट में अगर ज़्यादा टफ है आपको तो आप बेटर ट्रेड के लिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं। चलिए मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखता हूँ। ध्यान रखिएगा, मैंने जो बोला था बॉटम में हैमर फाइंड करना है हमें, एक डाउन ट्रेंड के बॉटम में अगर हैमर बनता है तो वो हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। अब जैसे देखिए यहाँ पे भी हैमर बना है लेकिन ये वैलिड नहीं है, क्योंकि उसका नेक्स्ट कैंडल उसे नीचे से क्लोज दे दिया है। एक ये देखिए, ये भी हैमर है लेकिन ये इस टाइम पे हैमर बना है, इसका मतलब है कि यहाँ पे आप ट्रेड नहीं कर सकते। ये 3:15 का है, 2 तारीख, 6 तारीख, 1 और चार्ट लगा लेते हैं हम, इसमें हमें अभी कुछ ट्रेड ढंग की दिखी नहीं, काफी पीछे जाना पड़ेगा हमको। ये देखिए, एक यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट पे आपको एक ट्रेड यहाँ पे हैमर का पावर दिख रहा होगा, यहाँ पे मार्केट गिरी थी, क्लोज हुई थी। ये 30 अक्टूबर को इंडिया होटल ओपन होता है 9 बजे, 9:15 पे, उसके बाद ये गिरता है, धबाक गजब का फॉल आता है, और यहाँ पे ये नीचे एक हैमर फॉर्म होता है आपका 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 9:45 पे। जैसा कि मैंने बोला था कि एक डाउन ट्रेंड, जैसे कि ये मार्केट यहाँ ओपन हुआ तो यहाँ से डाउन ट्रेंड ये गिरा और यहाँ पे इसने हैमर बनाया, और आप इस हैमर का पावर देख सकते हैं कि अगर आप स्विंग ट्रेड भी यहाँ पे करना चाहें तो इस हैमर के ऊपर आपने एंट्री ली है 300, यानी कि इसका 375.20 आप 376 तक भी अगर आप एंट्री लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि सेम डे में भी आपका 2.5%, ये 9 रुपये का मूव। इस टाइप से और भी ट्रेड आप फाइंड कर सकते हैं। चलिए जिसमें ज़्यादा वोलाटिलिटी होती है मैं उसका चार्ट निकालता हूँ। सपोज मैं निफ्टी का चार्ट निकालता हूँ, निफ्टी का फ्यूचर का चार्ट सपोज निकाल दिया मैंने, और 5 मिनट का टाइम फ्रेम, क्योंकि इंट्राडे करना है तो आपको 5 मिनट ही देखना पड़ेगा। देखिए हैमर की पावर, ये लास्ट ट्रेडिंग सेशन का है, ये देख लीजिए आप,
2:30 पे जो ये हैमर एक डाउन ट्रेंड हुआ, हैमर अगेन हैमर, और हैमर के ऊपर अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते भी हैं तो निफ्टी में आप देख सकते हैं कि निफ्टी में लगभग 80 पॉइंट का मूव है। अगर ऑप्शन में भी करते हैं तो आप 30 पॉइंट इजीली आप यहाँ पे बना सकते हैं। बस आपको वेट करना है एक डाउन ट्रेंड के बाद एक हैमर फॉर्म होने का। वैसे बहुत सारे टेक्निकल एनालिसिस होते हैं, बहुत सारी इंडिकेटर्स हैं, बट जो अच्छा होता है, जो सुटेबल होता है अपने लिए, वो अपने हिसाब से आपको बनाना पड़ता है। ये साइडवेज है, और कोई उदाहरण देख लेते हैं। इसकी बॉडी बड़ी है तो एक्चुअली निफ्टी बैंक निफ्टी में आप सभी को पता है कि वोलाटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए आप केवल अगर कैश में भी ये ढूंढे, केवल हैमर ढूंढ के, हैमर फाइंड करके आप ट्रेड करें तो भी आप एक अच्छा पैसा बना सकते हैं। मैं अभी एक क्रूड ऑयल का भी चार्ट दिखाता हूं आपको। क्रूड ऑयल एक्चुअली बहुत स्लो मोशन में काम करता है क्योंकि इसकी ट्रेडिंग ड्यूरेशन ज़्यादा होती है। उदाहरण के लिए आप देखें, जैसे कि मैंने बायोकॉन का चार्ट लगाया। अब बायोकॉन में आप देख रहे हैं कि यहाँ से अगर ये मार्केट एक रेंज में था, फिर यहाँ पे मार्केट फॉल हुआ, नीचे गिरा, और नीचे गिरने के बाद यहाँ पे 2:25 पे एक हैमर फॉर्म हुआ, और आप देख सकते हैं कि हैमर फॉर्म होने के बाद का ट्रेड अगर आप इसके ऊपर यहाँ पे इस कैंडल पे भी अगर आप ट्रेड लेते हैं तो लगभग 1.5% का मूव कैश में, और ये इनफ होता है इंट्राडे के लिए। इस टाइप से आप हैमर का यूज़ करके आप एक अच्छा ट्रेड बना सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आपको प्रैक्टिकली चार्ट पे चेक करना पड़ेगा, बहुत सारे चार्ट्स को आपको वॉच करना पड़ेगा, उसके बाद जा करके अगर आपको ये ट्रेड मिलता है तो आप बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। ट्रेडिंग केवल और केवल डिसिप्लिन की चीज़ है। अगर आपका सेटअप परफेक्ट सेटअप पे आपके अकॉर्डिंग ट्रेड बनता है तो आप एंटर करें, अदरवाइज़ अननेसेसरी ट्रेड में एंटर करने से आपको केवल और केवल नुकसान ही भुगतना पड़ सकता है। ये देखिए, आप और भी कोई भी चार्ट देख सकते हैं। सपोज़ मैं आप ABB का चार्ट लगा देता हूँ, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी आपको एक हैमर की क्या पावर है। ये यहाँ से कंटिन्यू फॉल होता हुआ आया, एक हैमर यहाँ पे बना 12:50, और आप देख सकते हैं कि यहाँ भी अगर आप ट्रेड बनाते हैं, इस कैंडल के ऊपर भी अगर आप ट्रेड लेते हैं तो यहाँ से 0.5% के मूव, और मार्केट क्लोजिंग बेसिस पे आप लगभग 1% का मूव आप कैप्चर कर सकते हैं। और यहाँ पे स्टॉप लॉस आप देख सकते हैं, कहीं भी स्टॉप लॉस आपका हिट नहीं हो रहा है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे पैसा तुरंत इंस्टेंट डबल होता है तो कोई ऐसा जादू तो नहीं होने वाला है, बट आपको छोटे छोटे प्रॉफिट ही इकट्ठा करने पड़ेंगे, तब जाके एक बड़े ट्रेडर आप बन सकते हैं। तो इस प्रकार से आप बहुत सारे ट्रेडिंग टेक्निक्स सीख सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि ऐसे ही और वीडियोज़ आपके लिए बनाता रहूँ, कोई परफेक्ट चार्ट आपको दिखाऊँ जिससे आपको बेसक समझ में आए। बट ये आप ध्यान रखिएगा कि ये हैमर का जो ये लॉजिक है, ये एक परफेक्ट लॉजिक है। ओके, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। कैसा लगा मेरा वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग सेशन, बेस्ट ऑफ लक।